Hello students, welcome to accounts classes. Dear students, in the previous video we have discussed about trading account and today we will discuss about profit and loss account. Dear students, profit and loss account is prepared after preparing the trading account. It is prepared to determine net profit earned or net loss incurred by the business during an accounting period. Dear students, I have given you the blueprint of profit and loss account. Today, just for your sake of convenience, I am discussing almost all the items of profit and loss. बेटा, profit and loss account मैंने आपको क्या बोला था? जितने भी office के खर्चे हैं सारे इधर, जितने भी office के income हैं सारे इधर, ये सब मैंने discuss किया हुआ. तो बेटा मैं income की बात कर रहा हूँ. By gross profit transferred from trading account. Rent received, discount received, commission earned, interest received, bad debts recovered, income from investments, dividend on shares, miscellaneous income, ये सारा बेटा मेरा ऑफिस का इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है. और बेटा सैलरी, रेंट, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, पोस्टेज एंड कूरियर, टेलीफोन एक्सपेंस, इंश्योरेंस, बिजनेस प्रमोशन, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, कन्वेयंस, बैंक चार्जेस, जनरल एक्सपेंस, electricity, loss by fire, loss by theft, commission, advertisement or freight and cartage outward, discount allowed, travelling expense, bad debts. बेटा ये सारे मेरे indirect expense हैं. और बेटा balance sheet figure क्या होगा? To net profit, which will be transferred to capital account. और इधर अगर net loss है, it will be transferred to capital account, which is shown in the balance sheet. तो बेटा इस format की practice के लिए ये question मैं आपको बता रहा हूँ और उसी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे. और तो बेटा फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ ए ट्रेडर प्रिपेयर हिज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020. अब बेटा इन दोनों साइड में मुझे ये डिस्कस करना है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट इनकम है, ग्रॉस प्रॉफिट इनकम है, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम, कमीशन रिसीव्ड इनकम, फायर इंश्योरेंस पेड एक्सपेंस, इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस, रेंट पेड एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, पोस्टेज एंड कोरियर एक्सपेंस, बैड डेट्स एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन एक्सपेंस, कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस एक्सपेंस, बैंक चार्जेज एक्सपेंस, लॉस बाय फायर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर, बेटा ये मेरा इनकम है. सैलरीज एंड वेजेस, ये बेटा मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है. डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम, कमीशन पेड टू सेल्समैन एक्सपेंस, फ्रेट आउटवर्ड एक्सपेंस, रेंट रिसीव्ड इनकम, इंटरटेनमेंट एक्सपेंस एक्सपेंस, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस, मिसलिनियस इनकम इनकम, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, गेन ये बेटा इनकम है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ये मेरा इनकम है. तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये जितने भी एक्सपेंस थे वो सारा मैंने इधर डाल दिया, जितनी इनकम थी सारी इधर डाल दी. और बेटा बैलेंसिंग फिगर, तो मेरा क्रेडिट साइड 188,550 से ज्यादा आ रहा है, दैट मींस मेरा यहाँ बैलेंसिंग फिगर हो गया टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. सो बेटा दिस क्वेश्चन विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.